शुरुआत किया जाए प्लांट टैक्सोनॉमी की। हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म की प्लांट टैक्सोनॉमी के बारे में। शुरू करने से पहले यह जानना आवश्यक होगा कि व्हाट इज प्लांट टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी कहेंगे किसे, फिर तो प्लांट की टैक्सोनॉमी पे जाया जाएगा, है ना। देन व्हाट इज टैक्सोनॉमी, कोई बता सकता है? एज यूजुअल आप सब नहीं बताएंगे। ठीक है, हम बताते हैं। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस या बॉटनी, हम विशेषतः बॉटनी के बारे में बात करेंगे, जूलॉजी केस में जूलॉजी हो जाएगा। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, पहला ए आइडेंटिफिकेशन, बी नॉमेनक्लेचर और सी क्लासिफिकेशन। क्या मतलब हुआ बच्चों? मतलब ये हुआ टैक्सोनॉमी वह शाखा है बॉटनी की जिसके अंतर्गत हम पौधों के सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको कुछ नाम देते हैं और फिर उस नाम के आधार पर उनको हम उनके कैरेक्टर्स के आधार पर क्लासिफाई करेंगे। उदाहरण लें आपका, अगर एक उदाहरण के द्वारा अगर समझाया जाए, सपोज करिए गर्ल्स या बॉयज कहीं दूर आप जा रहे हैं, किसी रिश्तेदारी में गए, अपने नाना के यहाँ या बाबा के यहाँ, कहीं भी किसी ने आपको देखा तो सबसे पहले दूर से देखा किसी बुजुर्ग आदमी ने तो कहा कि यह लड़का है या लड़की, पहले क्या किया गया, आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है, अब अगर बॉय है तो उसके पास जाया, बुजुर्ग आदमी गए, पूछे कि बेटा आपका क्या नाम है, नॉमेनक्लेचर में आ जाएगा, नॉमेनक्लेचर हो गया, आपने बताया राम श्याम मोहन अंकित दीपक जो भी नाम है, फिर क्लासिफिकेशन, बेटा किसके घर से हो, तो आप बताएंगे कि हम इनके घर पे आए हुए हैं, ये हमारे नाना जी का नाम है, ये हमारे दादाजी का नाम है। ठीक है, आपको समझ में आ रही बातें, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। अगर आप सबको समझ में आए तो रिस्पॉन्ड करें, ना समझ में आए तो भी बताएं। आइडेंटिफिकेशन समझे, पहले किसी भी चीज को पहचाना जाएगा कि वो वास्तव में क्या है, प्लांट है, एनिमल है, बॉय है, गर्ल है, क्या है, आइडेंटिफाई करिए फर्स्ट। सेकंड, फिर उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर ही नाम दिया जाएगा, फिर कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर उसे क्लासिफाई किया जाएगा कि आखिर उसकी वंशावली क्या है। ठीक है, पिछला जो उदाहरण दिया हूँ उसी से संबंधित करके समझिएगा, इसको लिखते जाइएगा हमारे साथ साथ, बाकी यूट्यूब पर वीडियो कोशिश करेंगे कि चली जाए। तो अब इस आधार पर ये जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है, टैक्सोनॉमी इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, टैक्सोनॉमी इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कौन कौन से ग्रीक वर्ड से लिया गया है, पहला है टैक्सिस विच मीन्स आइडेंटिफाई करना या नॉमेनक्लेट करना, अरेंज करना। ठीक है, टैक्सोनॉमी इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टैक्सिस जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट, ग्रीक वर्ड अरेंजमेंट से लिया गया है, और नोमस NOMOUS नोमस, टैक्सिस प्लस नोमस मिलकर के टैक्सोनॉमी बनाते हैं। नोमस का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लॉ, एज पर रूल, कोई नियम के आधार पर किसी भी चीज को व्यवस्थित करने को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। कैसे, टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नोमस का मतलब होता है एज पर रूल, जैसा कि नियम कहे। तो टैक्सिस टैक्सोनॉमी सब किससे लिया गया है बच्चों, ग्रीक वर्ड से, टैक्सिस प्लस नॉमस, टैक्सिस अरेंजमेंट, नॉमस का मतलब होता है एज पर रूल, किसी भी नियम के आधार पे, किसी भी अरेंजमेंट को कोई आधार बनाएंगे ना, उसी आधार को, इस नियम के आधार पर अगर अरेंज किया जाए तो उसे कहेंगे टैक्सोनॉमी। ध्यान दीजिएगा, टैक्सोनॉमी में जो ये ए बी सी है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, दीज आर द सिक्वेंशियल टर्म्स। सबसे पहले आप हमेशा आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे, किसी भी चीज को पहले पहचानेंगे, फिर उसको नॉमेनक्लेचर में रखेंगे और फिर उसको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, ठीक है। जो सबसे पहले टैक्सोनॉमी टर्म दिया गया था, द टर्म टैक्सोनॉमी इज फर्स्ट गिवन बाय या पुट फॉरवर्ड बाय एपी डी कैंडोले। किसने दिया था सबसे पहले टर्म टैक्सोनॉमी शब्द का, एपी डी कैंडोले। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कैरोलस लिनियस। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टूडेंट्स, आपसे हमेशा पूछा जाएगा
इन छोटी छोटी चीजों को, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस, हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इन केस ऑफ बॉटनी, तो आप क्या कहेंगे, कैरोलस लीनियस, हु गिव्स द टर्म टैक्सोनॉमी, एपीडी कैंडोले, ठीक, लिखिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, मैंने नाम बताया था, कोई बताएगा फिर से नाम, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, ठीक है, कैरोलस लीनियस, हु इज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट टैक्सोनॉमी, हु इज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट टैक्सोनॉमी, एच सांता पाओ, एच सांता पाओ, आप लोग फोकस करिए, जो पूछे वो बताइए, जो मैं कह रहा हूं कोशिश करिए इन चीजों को तो लिख लीजिए आज से, अगर क्लियर दिख रहा हो तो, वैसे एचडी वेबकैम है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यार यहां में पिघल गया, ठीक है, अच्छा, द टर्म सिस्टमेटिक्स, द टर्म सिस्टमेटिक्स इज गिवन बाय कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस, द टर्म सिस्टमेटिक्स इज गिवन बाय कैरोलस लीनियस, किसे कहेंगे सिस्टमेटिक्स, बताते हैं, इसके साथ नोट कर लीजिए पहले, कैरोलस लीनियस, अब क्या डिफरेंस है टैक्सोनॉमी में और किसमें, सिस्टमेटिक्स में, टैक्सोनॉमी में तीन चीजें इंक्लूड की गई थी, कौन कौन सी, पहला ए, ए आइडेंटिफिकेशन, बी नॉमेनक्लेचर, गुड, एंड सी क्लासिफिकेशन, गुड गुड बच्चों, तो तनुज तीन चीजें जरा एक बार फिर से बताइए, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर, एंड थर्ड क्लासिफिकेशन, ये तो तीनों पहले से मौजूद, सिस्टमेटिक्स में, सिस्टमेटिक्स इंक्लूड, लिखिए टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मैं इसको इलेबोरेट करूं, जहां भी टैक्सोनॉमी लिख दिया गया है इट मींस यह तो क्लियर है कि तीन चीजें आ गई, कौन कौन सी टैक्सोनॉमी के अंदर, वो तीन कौन सी चीजें हैं, पहला आइडेंटिफिकेशन कि वो प्लांट है या एनिमल, ठीक है, ठीक है, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, बी किसके परिवार से है, नॉमन क्लेचर, सी क्लासिफिकेशन, इन तीन के अलावा जब एक चौथी चीज और जोड़ दी जाए, फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ बता रहा हूं इसके बारे में, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, तब जाकर के सिस्टमेटिक्स बनता है, इट मींस अगर ब्रॉड सिनेरियो में देखा जाए तो सिस्टमेटिक्स किसको किसको इंक्लूड करेगा, पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नॉमेनक्लेचर, तीसरा क्लासिफिकेशन, और चौथा फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, अब ये तीन चीज तो आपको समझ में आ गई, आप कहीं गए तो सबसे पहले आपको पहचाना जाएगा, दूसरा आपका नाम पूछा जाएगा, उसके आधार पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किसके परिवार से हैं, तो क्लासिफिकेशन, अब जब चौथी चीज फाइलोजेनी, फाइलोजेनी का मतलब ये होता है कि आपके जीन के आधार पर यह देखा जाए कि आपका इवोल्यूशन, आपके पूर्वज कहां से थे, पूर्वज कौन कौन थे और कहां से थे, जब इसको भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा तो यह बन जाएगा सिस्टेमेटिक्स, एंड हु गिव द टर्म सिस्टेमेटिक्स एंड आइडिया ऑफ सिस्टेमेटिक्स इज कैरोलस लीनियस, हु गिव द टर्म, डियर स्टूडेंट्स आवाज आ रही है, टर्म किसने दिया था, कैरोलस लीनियस, आप लोग साथ साथ देंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा कि आप लोग थोड़ा सी देख दिखाई भी दे रहा है, पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात, एक बार फिर से रिपीट कर दें फटाफट, तो टैक्सोनॉमी किन दो चीजों से मिलकर के बना होता है, टैक्सिस और प्लस नोमस अरेंजमेंट, जिसका टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, नोमस का मतलब एज पर द रूल और लॉ, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ इंडियन प्लांट टैक्सोनॉमी एच सांता पाओ, सिस्टमेटिक किसे कहेंगे, टैक्सोनॉमी में अगर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को ऐड कर दें देन इट इज नोन एज सिस्टमेटिक्स, हु गिव द टर्म, कैरोलस लीनियस, नोट इट डाउन, अब हम देखेंगे कि टैक्सोनॉमी होती कितने प्रकार की है, बच्चों अ लॉट ऑफ टाइम्स इंटरव्यू में या प्रैक्टिकल के दौरान आपके जो आएंगे वाइवा लेने के लिए सर, तो आपसे पूछ सकते हैं कि टैक्सोनॉमी कितने प्रकार की हो सकती है, बच्चों टैक्सोनॉमी ब्रॉड लेवल पर
तीन प्रकार की है, अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी। आइए नोट करते चलते हैं साथ साथ। पहला है अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी, ओमेगा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स, या ऐसे लिखें, व्हेन द प्लांट्स आर आइडेंटिफाइड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, देन दिस टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी इज नोन एज अल्फा टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी में मॉर्फोलॉजिकल तो पहले से मौजूद है, अगर उसके साथ साथ जेनेटिकल, एनाटॉमिकल और साइटोलॉजिकल, पैलिनोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ऐड कर दिया जाए तब हम कहेंगे कि यह बीटा टैक्सोनॉमी है। लिख लीजिए इसे। क्या फर्क नजर आ रहा है अल्फा टैक्सोनॉमी और बीटा टैक्सोनॉमी में? क्या फर्क है? मॉर्फोलॉजिकल, बाहर की मॉर्फोलॉजी के आधार पर किया गया, यह सबको समझ में आ रहा है। जेनेटिकल, जीन लेवल पर डीएनए निकाल के चेक किया जाए कौन क्या समानता है। एनाटॉमिकल का मतलब किसी पौधे का सेक्शन कट किया जाए और फिर देखा जाए कि उसमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और वैस्कुलर बंडल, पिथ किस तरह से अरेंज है, इसे कहेंगे एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर बाय द कटिंग ऑफ सेक्शंस। ठीक है। पैलिनोलॉजी का मतलब एंथर, एंथर समझ रहे हैं, एंथर का क्या मतलब है? पुमंग, पुंकेसर इत्यादि, और स्पोर की स्ट्रक्चर के आधार पर हम टैक्सोनॉमी की जब स्टडी करेंगे तो इसे कहेंगे बीटा टैक्सोनॉमी। लेकिन अल्फा टैक्सोनॉमी में क्या होगा? केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का ध्यान रखा जाएगा। समझ में आ रही बात है? द वर्ड बीटा टैक्सोनॉमी इज गिवन बाय टूरिल, टूरिल, टूरिल। तो आप में से कोई यह भी पूछ सकता है कि भाई सर अल्फा टैक्सोनॉमी का नाम किसने दिया था? डोंट वरी, अल्फा, बीटा और ओमेगा तीनों नाम दिया गया था टूरिल के द्वारा ही। ठीक है, टूरिल ऑल्सो नोट हो गया। अब बात करें ओमेगा टैक्सोनॉमी पे, अल्फा में क्या था? सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर थे। बीटा में क्या हुआ? मॉर्फोलॉजिकल प्लस जेनेटिकल प्लस एनाटॉमिकल प्लस पैलिनोलॉजिकल, ये चार चीज और ऐड हो गई। अब ओमेगा में ऑल द इंफॉर्मेशन, इफ द टैक्सोनॉमी इज डन बाय द ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट दैट प्लांट इज नोन एज ओमेगा टैक्सोनॉमी। व्हाट डज इट मींस? इट मींस ओमेगा टैक्सोनॉमी के अंतर्गत अल्फा भी आ जाएगा, मॉर्फोलॉजी का पहला मॉर्फोलॉजी का हिस्सा आ जाएगा अल्फा टैक्सोनॉमी में। और अगर हम ओमेगा की बात करें तो ओमेगा में भी मॉर्फोलॉजी आ जाएगा, ओमेगा में फिर क्या आ जाएगा? जेनेटिकल आ जाएगा, ओमेगा में एनाटॉमिकल आ जाएगा, ओमेगा में फिजियोलॉजिकल, ये पैलिनोलॉजिकल, चारों आ जाएंगे। तो अब कितने हो गए अपने पास? चार कैरेक्टर्स ये, और भी अगर कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस प्लांट्स के लिए उसको भी ऐड कर लें तो हो जाएगा ओमेगा टैक्सोनॉमी। यह समझ में आ गया बच्चों? अल्फा किसे कहेंगे? मॉर्फोलॉजिकल। बीटा किसे कहेंगे? किसे कहेंगे बीटा? पैलिनोलॉजिकल। और इस इन सब के को भी ऐड कर लिया जाए, इसके अलावा भी अगर कोई कैरेक्टर अवेलेबल हो उसको भी ऐड कर लिया जाए तब जो टैक्सोनॉमी बनेगी वो क्या कहेगी? ओमेगा टैक्सोनॉमी। इसका भी टर्म जो है टूरिल ने ही दिया था। ठीक है, राजेश कुछ कहना चाह रहे हैं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ठीक है, यहां हो गया। अब हम लोग कल पढ़ेंगे।